नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक बच्ची की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। पूरे मामले में गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कुछ घंटों में ही उसे दस्तियाब कर परिजन के सुपुर्द किया है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहाँ 12 वर्षीय बच्चे के पिता अपनी बच्ची की गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक गुमशुदा हुई बच्ची मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कुछ ही घंटों में दस्तियाब कर परिजन के सुपुर्द किया। पुलिस के मुताबिक बच्चे अपने घर से कुछ सामान लेने निकली थी, जो उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंची थी। उसके बाद परिजन थाने रिपोर्ट लिखाने पहुंचे थे। वहीं पुलिस ने बच्ची को सकुशल दस्तियाब कर परिजन के सुपुर्द कर दिया है। कल 11:30 बजे बच्ची के पिता गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। बच्ची 12 वर्ष की थी। उनका कहना था कि वो अभी धार से यहाँ पर मजदूरी करने आए हैं और द्वारकापुरी में रहने आए, तो बच्ची सामान लेने के लिए दुकान पर गई थी और उसके बाद से आई नहीं। रिपोर्ट लिख करके आसपास के फुटेज तलाश करे और बीट अधिकारी और विवेचना अधिकारी ने तलाश करी तो बच्ची छोटी है और 12 वर्ष की थी और वो थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर थी। तलाश करा तो हुआ कॉलोनी में ही, दूसरे एक जगह कोने में ठेले के नीचे बैठी पाई गई। बच्ची से जब पूछा तो उसने कहा कि वो रास्ता भूल गई थी और डर के मारे बैठ गई, क्योंकि उसका दिमाग कमज़ोर है तो वो किसी को यह नहीं बता पाई कि उसके पिता कौन है, कहाँ रहते हैं। और बच्ची सकुशल है और उसके माता पिता को सुपुर्द की गई है। कितने घंटों में पुलिस ने दस्तियाब किया? 11:30 बजे रिपोर्ट दर्ज हुई थी और 6 बजे बच्ची दस्तियाब कर ली गई। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।